राज्य के 54 नगर निकायों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। पटना सिटी में भी मतदान केंद्र पर वोटरों का उत्साह देखने को मिल रहा है। महिला वोटर बड़ी तादाद में वोट डालने मतदान केंद्र पर पहुंच रही हैं। पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प के साथ वोटर अच्छे उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया में जुटे नजर आ रहे हैं। संवाददाता आशुतोष चंद्रा ने पटना सिटी में एक मतदान केंद्र का जायजा लिया। बिहार के 31 जिलों में 54 नगर निकायों में चुनाव और उपचुनाव हो रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं किस तरह से महिला वोटर काफ़ी उत्साह के साथ यहां वोटिंग करने के लिए पहुंची हैं। इस वक्त हम लोग पटना सिटी में हैं और ये वीआईपी बूथ है। सीता साहू, मेयर सीता साहू का ये बूथ है। चूँकि सीता साहू के मेयर बनने के बाद यहाँ पर सीट खाली हुई थी और फिर से उस सीट पर यहाँ पर चुनाव हो रहा है और आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ महिलाएं आई हैं और वो अपना वोट डाल चुकी हैं, वोट कास्ट कर चुकी हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान, तो स्वाभाविक तौर पर इस परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं ने अपना वोट डाला है और बड़ी तादाद में लोग निकल कर बाहर आ रहे हैं। चूँकि गर्मी का वक्त है और वोटरों को ये पता है कि सुबह सुबह ही मतदान करना बेहतर रहता है। मैडम, आप लोग वोट डाल दी? सुबह डाल दी। सुबह सब काम हम घर का खत्म हो गया। बगैर जलपान के आई हैं? अब जलपान करेंगी जाके। सुबह सुबह एकदम वोट डालना? पहले मतदान तब जलपान। तो पहले मतदान फिर जलपान, और स्वाभाविक तौर पर सबसे खास बात यह है कि महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 4443 ऐसे प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, जिनकी किस्मत दांव पर लगी है। 12 लाख से ज़्यादा वोटर जो हैं वो आज वोट कर रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर भले ही उपचुनाव हो या फिर कुछ जगहों पर चुनाव फिर से हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर कई परिस्थितियां थीं जिसके कारण चुनाव की नौबत आई है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कैमरा सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, कसिस न्यूज, पटना सिटी। और अधिक जानकारी के लिए पटना से संवाददाता आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बिहार के 54 नगर निकायों के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है, कई घंटे बीत चुके हैं, लिहाजा मतदान केंद्रों की बात करें तो कैसा उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है और साथ ही क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं इस बार जिसको लेकर मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं? नहीं, अभी तक जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक शांतिपूर्ण मतदान हो रहे हैं और ये एक अच्छी बात कही जा सकती है। 31 जो जिले हैं वहां पर 54 ऐसे नगर निकाय क्षेत्र हैं जहां पर वोटिंग हो रही है। 4443 जो कैंडिडेट है उनके किस्मत गांव पर लगे हुए हैं और उन्हीं के संदर्भ में वोटिंग भी चल रही है। दरअसल ये कोशिश की जा रही है कि निष्पक्ष चुनाव हो और इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। और क्योंकि अभी ये माना जा रहा था कि आज के दिन गर्मी भी बहुत ज्यादा रहेगी, तो अभी फिलहाल वो तस्वीर दिख रही है, तो ऐसे में एक अच्छी तस्वीर ये निकल कर आई कि वोटर जो थे वो सुबह सुबह ही मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे थे और उन्होंने अपना वोट जो है वो कास्ट कर दिया। तो जो एक उम्मीद की जा रही है कि 12 बजे से पहले बड़ी तादाद में वोटर निकलेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे और उसके बाद शाम के वक्त 3 बजे के बाद ही वोटर निकल पाएंगे, क्योंकि उस बीच में गर्मी बहुत ज्यादा होगी। तो फिलहाल चुनाव आयोग के लिए भी ये कठिन परिस्थितियां थी, क्योंकि गर्मी में वोटिंग करवाना, चुनाव करवाना एक कठिन कार्य माना जाता है। तो अभी जो पटना की स्थिति जो जानकारी मिल रही है, शांतिपूर्ण मतदान हो रहे हैं और कुछ देर के बाद जो है वो जो वोटिंग परसेंटेज है वो कितनी, पिछले बार की तुलना में क्या स्थितियां थी, उन सभी चीजों की जानकारी मिल पाएगी। जी बिल्कुल आशुतोष, नजर बना रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।